जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि पोको X2 के अंदर आप जो MIUI 12 वाला रोम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट रोम आया है, जो कि हमने पता है कि 27 अप्रैल को जो कि लॉन्च हो गया था चाइना में, क्लोजर बेटा यानी कि MIUI 12 का, आप पोको X2 के अंदर हम कैसे उसको फ्लैश करेंगे उसी के ऊपर आज का वीडियो है। दोस्तों रोम इंस्टॉल करने से पहले एक दो तीन चीज मैं बता देता हूँ, आप जो है अपने रिक्स में ही करना। सबसे पहले आपके अपने पीसी के अंदर ADB ड्राइवर इंस्टॉलेशन करना है, बूट लोडर अनलॉक करना है आपके फोन का, और एक TWRP इंस्टॉलेशन करना है। आप सबका डिटेल्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल वे में आप वहां से चेक कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पर भी TWRP के थ्रू, रिकवरी के थ्रू ही मैं आपको रोम इंस्टॉलेशन करके सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर देना है। यहाँ पे 7 बार टैप करके अबाउट फोन के अंदर ऐसे टैप करने का, बैक कर जाना है, फिर आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर जाना है डेवलपर ऑप्शन, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन के अंदर OEM अनलॉकिंग ऑलरेडी होगा और USB डिबगिंग को आप इनेबल करना है, और यहाँ पे MI अनलॉक स्टेटस के अंदर देखना अनलॉक लिखा होगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको फोन जो है पावर ऑफ करना पड़ेगा। पावर ऑफ करने के बाद फोन को पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके फास्ट बूट मोड में लेके आना पड़ेगा फोन को। फास्ट बूट मोड में कर लो, उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना आपके पीसी के साथ, फिर आपको चले जाना है आपके पीसी में। जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे एक फोल्डर मैं आपको जो जो डिटेल्स जरूरत होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सिंपल वे में आपको यहाँ पे चले जाना है सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स ओपन करना पड़ेगा। सी ड्राइव के अंदर मैंने जो फोल्डर बना रखा है यहाँ प्लेटफॉर्म टूल पोको X2 का, ठीक है, यहाँ पर आपको CMD लिख के एंटर कर देना है, वहां पे चेक कर लेना। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखना है फास्ट बूट डिवाइस, एंटर करना है, आपको लिखना है फास्ट बूट बूट, जो कि स्पेस देके रिकवरी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने रखा हुआ, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जो पोको X2 का रिकवरी है TWRP पर, इसको टैप करना है। एंटर करने के बाद आपके फोन के अंदर ये फीचर्स इनेबल हो जाएगा, अभी TWRP में एंट्री कर जाएगा आपको फोन। ठीक है, आपका फोन TWRP में आ गया। इसके बाद आपको जब आएगा ना एंटर जब करेगा, तब आपका शायद कोई लैंग्वेज का चेंज होगा, तो लैंग्वेज आपको इंग्लिश कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फोन का माउंट पे जाना है, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन है तो सिस्टम को भी टैप कर देना है, बैक कर जाना है, और यहाँ पे सिंपल वाइप के अंदर जाना है और डाटा को फॉर्मेट कर देना है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। डाटा फॉर्मेट से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको बैकअप रखना है तो बैकअप सभी का कर लेना। बैकअप करने से आपका कोई भी दिक्कत होता है तो ये रोम के अंदर सारे फिक्स हो जाएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होता। सभी चीज़ बैकअप आपको लेना अनिवार्य है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सेकेंडरी डिवाइस है आप चेक करना है तो आप ना ले सकते हो, तो यहाँ पे बैकअप जरूरी है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वाइप पे जाना के फॉर्मेट डाटा के अंदर YES लिख के स्लैश कर दोगे तो आपका जो डाटा है वो फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा फॉर्मेट होने के बाद आपको जाना है माउंट में, और ये डिटेल्स माउंट में इनेबल ऐसे रहेगा, तो आपके पीसी के अंदर जाना है। पीसी के अंदर जब जाओगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर Redmi K30 दिख रहा होगा, जो कि पोको X2 के रिब्रांडेड वर्सन। यहाँ ओके, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो रोम फाइल है मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पीसी के अंदर सेव कर रखा हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो रोम भी आप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना, यानी कि कॉपी कर लेना आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में। ये वाला जो है MIUI 12 का रोम जो है यहाँ पे कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ Redmi K30, इसके इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे इंटरनल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे सेव हो चुका है जो फाइल है, जो हमारा जो MIUI 12 का जो फाइल है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपके फोन के अंदर आना है यानी कि TWRP के अंदर, और यहाँ पे आपको माउंट बटन पे आपको डाटा कैच और सिस्टम टैप करना है। इसको यहाँ पे बैक करने के बाद वाइप के अंदर आपको ऑलरेडी डाटा फॉर्मेट कर दिए थे, और कहीं कुछ छेड़ना नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इंस्टॉल में जाना है, और नीचे देखो यहाँ पे वो फाइल जो है कॉपी हो गया था, आप पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं जो USB के थ्रू, यहाँ पे टैप करिए, टैप करने के बाद यहाँ पे स्वाइप टू फ्लैश कर देंगे,
तो यहाँ पर आपका जो 812 वाला रोम जो है यहाँ पे फ्लैश हो चुका है, तो यहाँ पे देखते हैं रिबूट सिस्टम कर लेते हैं। रेडमी बाय साउमी। दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो है MIUI 12 जो है इसके अंदर फ्लैश हो चुका है। तो यहाँ पे यार कुछ चाइनीज वर्सन में आ रहा है, तो यहाँ पे वाईफाई सेटिंग यहाँ पे ओके, वाईफाई कनेक्ट हो गया, बैक कर जाते हैं और यहाँ पे एक्टिव के लिए पासवर्ड दे देते हैं। लॉगिन कर लिया हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है MIUI 12। यहाँ पे लैंग्वेज जो है थोड़ा सा कुछ अटपटा सा आ रहा है, चाइनीज लैंग्वेज है तो हम इसको फिक्स करते हैं। स्वाइप टू एंटर चेक कर लेते हैं। ओहो हो, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। मैं इसका पूरे वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, तो आप चेक कर लेना यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाके, माय डिवाइस के अंदर आप चेक कर लीजिए। देखिए रेडमी K30 लिखा रहा है, क्योंकि Poco X2 नाम लिख के नहीं आ रहा है, तो ये ग्लोबल वर्सन बेटा है। मिलेंगे नए वीडियो साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।